मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज श्री बाबा कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर दरभंगा में पूजा अर्चना कर राज्य की तरक्की, सुख शांति, समृद्धि, बाढ़ से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए कामना की। पूजा अर्चना के क्रम में मुख्यमंत्री ने कुशेश्वर स्थान महादेव मंदिर की परिक्रमा भी की। इस अवसर पर मंत्री जल संसाधन श्री संजय कुमार झा, उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री महेश्वर हजारी, सचिव जल संसाधन श्री संजीव हंस, विशेष कार्य पदाधिकारी आपदा प्रबंधन श्री संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल डॉक्टर मनीष कुमार, आईजी दरभंगा रेंज श्री अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा श्री बाबू राम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राहत के लिए क्या किया जा रहा है, एक तो प्रतिदिन इसका आकलन करते हैं और अनेक जगहों पर विभिन्न जिलों में जाकर खुद भी देखते हैं। ये मेरा पहले से ही 2007 से ये काम होता है और उस सिलसिले में हमको यहाँ आना था। कई बार ऊपर से देख चुके हैं लेकिन फिर अभी हम लोगों ने पूरे तौर पर देखा कि जरा सा इसको देखते हुए दरभंगा का और मधुबनी का, ये सब को देखते हुए यहाँ आएंगे। और यहाँ के बारे में तो मालूम है ना कि किस तरह से हमेशा हर बार 6 महीना पानी से प्रभावित रहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने योजना भी बनाई है, कहा भी है ताकि जो 3 नदियाँ हैं सबके लिए ऐसा किया जाएगा एम्बैंकमेंट करके कि ताकि पानी इस तरह से हमेशा नहीं रहे। इस पर भी काम करने के लिए बात हो रही है, भी करेंगे हम लोग, देखेंगे ताकि लोगों को राहत हो, सुविधा हो। तो ये तो एक अलग किस्म का है पूरे देश में, पूरे बिहार में अपने, तो आना ही रहता है, हर बार देखते हैं और आज भी आए हैं यही देख करके कि क्या इन लोगों ने लोगों के लिए किया है, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक से चल रहा है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।